अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने इस लड़के का पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगमेंट PCL रिकंस्ट्रक्शन किया था 8 हफ्ते पहले। हाँ, तो 8 वीक्स पहले। ये रेगुलर ब्रेस पहन रहा था, PCL ऐसे ही है, और इसने फिजियो किया, रिहैब किया, आराम आराम से अब हमने इसका ब्रेस उतार रहे हैं, और माशाल्लाह इसकी ऑलमोस्ट हम लोग इसको 120 पे खुद जान के रोका हुआ है। अब हम इसकी टांग को और बेंड करेंगे। अगर हम पेन टेस्ट करें तो पेन टेस्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि अभी भी टिबिया फॉरवर्ड है, और ये हमारा एम था। अगर ये फ्लश होता तो इसका मतलब इसका PCL इंटैक्ट नहीं है। और अब हमने इसकी रिहैब स्टार्ट करानी है। टांग इसकी माशाल्लाह पूरी सीधी हो गई है। अगले 3 से 4 हफ्ते में हम इसकी टांग यहां तक ले आएंगे। खुद हमने जान के रोका था ताकि इसकी टांग के अंदर एग्रेसिव फिजियो ना करें, इसलिए कि PCL की वजह से टांग जो है वो बेंड होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेती है ACL के मुकाबले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस PCL रिकंस्ट्रक्शन इज डन वेरी सक्सेसफुली। स्टेप साइन अभी भी मौजूद है, इसका मतलब PCL इसका बिल्कुल इंटैक्ट है, एंड ही विल डू वेरी वेल।